एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट 4 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से हमने काफी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। इसमें हमने देखा थ्योरी पार्ट, थ्योरी में क्या वो सारे ऑप्शंस, वो सारे टॉपिक्स हमने लिए जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस अराइज होते हैं एग्जाम में, राइट। सो विल टॉक अबाउट एनटीए यूजीसी नेट ZRF 2022 बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट ZRF 2022। एंड वो सारे थ्योरी पार्ट अपकमिंग सेशंस में मैं करने वाली हूँ जो जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं एंड हमेशा क्वेश्चंस अराइज होते रहते हैं। लाइक पिछले सेशंस में, पिछले ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, अपकमिंग ईयर्स में जो पूछे जा सकते हैं, एंड हम एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज की भी बात करेंगे, राइट। सो आपके सामने कंटेंट्स है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी थी, जो क्या क्या हमने अभी तक कवर कर लिया वो मैं बात करूंगी। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमने पढ़ा जो जिसका थ्योरी एंड एक्सप्लेनेशन हमने देखा था, एंड फाउंडेशंस ऑफ ग्रुप बिहेवियर की बात की थी हमने, मोटिवेशन एंड कॉन्सेप्ट्स की बात की हमने, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस की बात की हमने, ठीक है। लीडरशिप पे भी हम बात करने वाले हैं, लीडरशिप पे हमने हमारी क्लासेस अभी रहेंगी, वो हम आगे के सेशंस में करेंगे। सो आज देखते हैं क्या हम करने वाले हैं, राइट। सो लेट मी कम टू द स्लाइड। सो लास्ट सेशन हमारा जो था, हमने लास्ट सेशन में बात की थी ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस की, ठीक है। एंड उसमें हमने बात किया था कॉन्सेप्ट्स ऑफ इफेक्टिवनेस, कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी, लिमिटेशंस ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज अप्रोच एंड स्ट्रेटजिक कॉन्स्टिट्यूएंसी अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच की भी बात की थी हमने लास्ट सेशन में। नाउ टुडे विल इन दिस सेशन विल टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक्सरसाइज अ कंसीडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, स्पेशलाइजेशन, साइज, सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इवन फॉर्मलाइजेशन इज लाइकली टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशियंसी। इवन जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ इम्प्लॉइज इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल डायनामिक्स, equitable division of work and delegation of authority and responsibility and proper direction are likely to generate the feeling of satisfaction among the people at work, right? So organizational characteristics में हम क्या बात करें, क्या characteristics हैं, क्या क्या चीजें उनमें include की जाती हैं, क्या क्या चीजों को आप रख सकते हैं organizational के अंदर, ठीक है। So what is the correct definition, you know, करेक्ट डेफिनेशन ऑफ करेक्टरिस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो बात करेंगे हम स्पेशलाइजेशन की, बात करेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन की साइज की, सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन की बात करेंगे कि क्यों कैसे एक ही हाथ में पावर होता है डिसीजन मेकिंग का, टॉप मैनेजमेंट जिनको हम बोलते हैं, टॉप मैनेजमेंट के पास ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग का पावर होता है, जो गोल सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और उनके उन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स वर्क करते हैं, राइट। सो जहां पे आप ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से जो उनका स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, किस तरह से उनके फंक्शंस काम करते हैं, उनकी क्या स्पेशलाइजेशन है, लाइक साइजेस, सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इवन फॉर्मलाइजेशन इज लाइकली टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, ठीक है। सो डिसीजन मेकिंग के पीछे लाइक जो साइजेस डिसाइड करते हैं, ठीक है, स्पेशलाइजेशन डिसाइड करते हैं, गोल्स जो डिसाइड करते हैं, एंड जो ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इन सब के पीछे क्या रीजन होता है। रीजन ये होता है कि वो देखना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कितना इफेक्टिव है, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली प्रोडक्टिव हो पा रहा है, ठीक है। एंड इवन द जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ इम्प्लॉइज इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स, ठीक है। सो इसके अंदर हम जब ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो उसके अंदर हम इम्प्लॉइज सेटिस्फैक्शन की भी बात करेंगे, ठीक है। एंड किस तरह से जो इम्प्लॉइज का सेटिस्फैक्शन होता है वो डायनेमिक इन नेचर होता है, वो बदलता रहता है, क्योंकि अगर आपने आपको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्टिकुलर कोई रूल कानून, कोई नियम या कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करने से इम्प्लॉइज खुश होते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हर
हर इंडस्ट्रीज वेरी करती, लोगों की रिक्वायरमेंट वेरी करती हैं। आपने एक पर्टिकुलर फैसिलिटी के साथ ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टअप किया, आपने वो सारी एसेंशियल चीजें प्रोवाइड की इम्प्लॉयज को, और आपको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में रहने वाले हर एक पर्सन खुश होंगे। सो ऑब्वियसली बात है, कोई भी पर्सन अगर किसी भी लेवल का एफर्ट लगाता है किसी चीज को करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि उसमें 100% लोग उस चीज को पसंद करेंगे या फिर 100% लोग 100% सेटिस्फाई हो पाएंगे। ठीक है, तो उसमें सेटिस्फेक्शन लेवल भी वेरी करता है, थोड़ा चीजें अच्छी लगती हैं, कभी कभी लगता है कि नहीं अभी और कमी है, कुछ और चीजें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, कुछ और होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा और बिग सोचना चाहिए इंप्लॉयज के बारे में, ठीक है, उनके वेलफेयर के बारे में। सो ये इनका जो इंप्लॉयज का जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो भी डायनेमिक होता है, राइट। इक्विटेबल डिसीजन ऑफ वर्क एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रॉपर डायरेक्शन आर लाइकली टू जनरेट द फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन अमंग द पीपल एट वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अगर प्रॉपर डेलीगेशन होता है, जो सुपरविजन होता है, एक मैनेजर को अगर कोई भी काम सौंपा जाता है तो वो अपने सबॉर्डिनेट्स को किस तरह से गाइड करता है, किस तरह से मोटिवेट करता है, क्या तरीका है इनको काम करवाने का, वो उनके ऊपर होता है, राइट। आप हमेशा देखेंगे कि अगर कितने लोगों से आपने सुना भी होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं कुछ लोग मैनेजर से अपने बहुत हैप्पी होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अनहैप्पी होते हैं, उनको अपने मैनेजर की स्टाइल पसंद नहीं आती है, उनको लगता है कि हमेशा डोमिनेट करता है, अप्रिसिएट नहीं करता है। कुछ लोगों से आपको ये भी सुनने को मिलता होगा कि हमारे मेरे मैनेजर का तो बहुत ही अच्छा बिहेवियर है मेरे साथ, हमारे टीम के साथ, वो हमेशा सपोर्टिव रहते हैं, हमेशा कोऑपरेट करते हैं, हमेशा गाइड करते रहते हैं, इवन खुद वो इन्वॉल्व होके हमारे जो भी हमारा काम अगर कहीं पे रुकता है तो उसमें वो इन्वॉल्व होके करवाते हैं साथ में। तो ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी सारी चीजें मैटर करती हैं। एक टाइम पीरियड में जो भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट सबमिशन है, जो भी आपको काम सौंपा गया है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक टीम का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल है, कितने टाइम पे उनको एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करके देना है, तो मैनेजर्स का कहीं सपोर्ट मिलता है, कहीं पे नहीं भी मिलता है, कहीं पे इम्प्लॉयज खुद चढ़बड़ के वो चीजें खुद से कर लेते हैं। तो दीज आर द यू नो दीज ऑल आर द यू नो कैरेक्टरिस्टिक्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या देखा, हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि किस तरह से हम स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, किस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन की साइज की बात करते हैं, किस तरह से हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन की बात करते हैं, जहां पे एक सिंगल हैंड में डिसीजन मेकिंग पावर होता है। वैसे ही देखा आपने कि इम्प्लॉयज की सेटिस्फेक्शन की भी बात की जा रही है ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। एंड आपने देखा कि अगर प्रॉपर डेलीगेशन है, प्रॉपर सुपरविजन है, अथॉरिटी है, तो उसमें क्या होता है कि जो इम्प्लॉयज का सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो अच्छा होता है, राइट। सो दीज आर द यू नो कैरेक्टरिस्टिक्स। सो विल टॉक अबाउट इन्वायरमेंट, नाउ विल टॉक अबाउट इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो क्या है इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, विल सी हियर, राइट। इफेक्टिवनेस वाया विस अवेस इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड्स ऑन थ्री क्रिटिकल फैक्टर्स। सो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इफेक्टिवनेस जो है, इफेक्टिवनेस इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड्स ऑन थ्री क्रिटिकल फैक्टर्स। वो तीन फैक्टर्स क्या है, विल सी हियर। द एक्यूरेसी विथ विच इन्वायरमेंटल स्टेट्स आर फॉरकास्ट, ठीक है, तो एक्यूरेसी की बात करेंगे विथ विच द एनवायरमेंटल स्टेट्स आर फॉरकास्ट, जिनके बेसिस पे इन्वायरमेंट का की फॉरकास्टिंग होती है, क्या मौसम होने वाला है, क्या चीजें होने वाली हैं। लाइक सपोज आप कभी भी न्यूज देखते हैं तो आपको बताया जाता है, न्यूज में आपको सुनने को मिलता है कि आज का वेदर कैसा रहेगा, अगले एक हफ्ते का कैसा वेदर रहने वाला, कब बारिश होने वाली है, कब सूखा पड़ने वाला है। तो इस तरह से आप एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर देखेंगे कि किस तरह से एक्यूरेसी के बेसिस पर एक्यूरेट फोरकास्टिंग की जाती है, राइट, एनवायरमेंट को लेकर के। एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ द एनवायरमेंटल स्टेट्स एंड प्रैग्मेटिज्म इंस्ट्रेंट इन ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, राइट। ये सारे क्वेश्चन सिर्फ ये जो मैं आपको थ्योरी दिखा रही हूँ ये आपको एक नॉलेज के लिए है, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इनके बेसिस पे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ये जो एक पर्टिकुलर टॉपिक्स अभी मैंने पिछले 2-3 सेशंस लिए थे और अभी भी 2-3 सेशंस आई मीन्स टू से दैट टॉपिक्स लिए थे, उनपे आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं पढ़ा रही हूँ ताकि आपको सारी चीजें एक
आइडिया रहे ओवरऑल, राइट। क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बनते हैं और कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, वो जहां जहां पे ऐसे आएगा मैं आपको बता दूंगी। बट ऐसा नहीं समझना है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे थ्योरी पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप आंसर्स को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। सो दीज आर द थ्री सेट्स ऑफ फैक्टर्स विच डिटरमाइंस द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंजेस। दिस रिक्वायर अ प्रॉपर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS विच विल मॉनिटर सच चेंजेस इन एनवायरमेंटल सेटिंग दैट हैव अ बियरिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। The organization may have standing arrangements to receive information regarding environmental changes appropriately in time from the Economic Research Division, Research and Development (RD) department, management consultant or legal advisor. These experts will continue to suggest such adjustment in organizational setup as may be necessary to comply with the environmental changes. ठीक है, एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस होते हैं उनको कैसे जानते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू। आप रिसर्च करते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज को के बारे में, आप रिसर्च करते हैं देन उसके बाद आप डेवलपमेंट का काम करते हैं कि ये चीजें कैसे डेवलप होती है एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। तो इन सारी चीजों का एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, एक सेट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट के अंदर आपको देखने को मिलता है एक स्ट्रक्चर्ड वे में। सारी इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे कि आप MIS के थ्रू, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू चीजों को का कलेक्शन होता है, इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, सब कुछ। कोई इम्प्लॉय ज्वाइन करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसकी ज्वाइनिंग की डेट है, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, उसकी ज्वाइनिंग डेट, उसके फादर का नाम, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस, सारी चीजें, उसका क्या डिपार्टमेंट है, क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इस सारी चीजों का लेखा जोखा आपको देखने को मिलता है MIS के अंदर, राइट। एंड विल सी एम्प्लॉयज कैरेक्टरिस्टिक्स, एम्प्लॉयज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम देखेंगे। इट इज एम्प्लॉयज हु may help or inhibit goal achievement of organizations. So employees characteristics क्या है, employees का क्या काम होता है organization के अंदर, employees what employees does in the organization. So उनका काम होता है achieve करना, achievement of the goals of the organization. This thus it is necessary to analyze the factors which are responsible for presenting such a distracting behavior which stalls organizational effectiveness. There is a perceptible difference in individual goals and organization's goals. It may result in weakening the very fabric of organizational structure. Consequently, efforts should be made for forge integration between personal goals and organizational objectives. Two situations may arise in this. ठीक है, सो लाइक आपको समझने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि थ्योरी पार्ट आपने देखा। सो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी इम्प्लॉय का क्या काम होता है, ठीक है, और इम्प्लॉयज क्यों हायर की जाती है। इम्प्लॉयज ऑब्वियस ही बात है, इम्प्लॉयज की हायरिंग इसलिए की जाती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको वो अचीव करे, ठीक है, वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम में, जो उनको टाइम के पीरियड के, जो विद इन अ टाइम पीरियड आपको क्या काम करने को दिया जा रहा है एज एन इम्प्लॉय, एज एन इंडिविजुअल आपको क्या काम मिल रहा है, तो उस काम को आपको किस तरह से फुलफिल करना है, किस तरह से कब कितने टाइम के अंदर आपको देना है, वो आपका रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का रोल होता है, राइट। सो उसमें क्या होता है, इम्प्लॉई एंड इम्प्लॉयर दोनों के ऑब्जेक्टिव्स को इंटीग्रेट किया जाता है, दोनों को मर्ज किया जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ एकजुट होकर काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल होते हैं उनको अचीव करने में इंप्लॉयज मदद करते हैं, इंप्लॉयज हेल्प करते हैं, दे आर द रिसोर्सेस, ठीक है। एन एम्प्लॉय में वर्क हार्ड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट विच विल हेल्प अटेनिंग पर्सनल गोल्स, ठीक है। सो अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करते हैं तो आप एंड में देखेंगे कि आप ऑटोमेटिकली अपने पर्सनल गोल को भी अचीव कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आप काम ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया आप उस पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन एज एन इंडिविजुअल आप अपने आप को भी उस चीज में, ठीक है, इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप खुद उस काम को कर रहे हैं, पर्सनली कर रहे हैं, तो आप अपने पर्सनल गोल को भी उसमें
अचीव करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ साथ, ठीक है। अगर इम्प्लॉयज अच्छा, अगर इम्प्लॉयर अच्छा काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा वर्क कर रहा है, मार्केट के अंदर प्रोडक्टिव ज्यादा है, रेवेन्यू अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली आपको भी उससे बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपकी प्रोफेशनल एंड पर्सनल दोनों लाइफ अच्छी होती है उससे, ठीक है। सो इफ द इंडिविजुअल गोल्स कॉन्फ्लिक्ट विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, इम्प्लॉय एफर्ट मे बी स्कैटर्ड और सेपरेटेड। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर वहीं पर, जैसे कि आपने देखा कि आप एक इंटीग्रेशन के साथ इम्प्लॉय एंड इम्प्लॉयर दोनों इंटीग्रेट होके काम कर रहे हैं, एकजुट होके काम कर रहे हैं, दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने जो ऑब्जेक्टिव बनाया है उसको एज एन इंडिविजुअल, एक इम्प्लॉय अपना ऑब्जेक्टिव मान के, अपना पर्सनल गोल समझ के उसको काम को करता है, पूरा डिलीजेंटली काम को कर रहा है और टाइम पे के अंदर उस काम को खत्म करके दे रहा है, ठीक है। तो उसमें जो एक अचीवमेंट का जो लेवल है, जो प्रोडक्टिव लेवल है, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ वो इम्प्लॉयज के लिए भी फायदेमंद होते हैं। वहीं पर अगर आपको लगता है एज एन इंडिविजुअल कि नहीं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन ने गोल सेट किया है, ये इससे मैं एग्री नहीं करता, मैं इस तरह के काम नहीं करूंगा, या तो आप कहीं ना कहीं उनसे डिसएग्रीमेंट है आपका, आप डिसएग्री कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि वो एक जो कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, एंड उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑर्गेनाइजेशनल गोल तो अचीव नहीं होता है, एट द एंड आपको देखने को मिलता है कि आप पर्सनल गोल भी नहीं अचीव कर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि आप और इम्प्लॉयर, इम्प्लॉय एंड इम्प्लॉयर दोनों ही एक दूसरे के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों का ही नुकसान होता है, दोनों के ही एफर्ट में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। तो इस तरह से जो जो गोल होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो स्कैटर्ड आपको देखने को मिलता है, ठीक है, वो अनअचीव्ड देखने को मिलता है, राइट। सो मैनेजरियल पॉलिटिक्स एंड प्रैक्टिसेस, क्या मैनेजरियल पॉलिसीज हैं और क्या प्रैक्टिसेस हैं, विल टॉक हियर। इट इज रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दीज पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड किया गया है मैनेजरियल पॉलिटिक्स एंड प्रैक्टिसेस के अंदर, विल सी हियर। स्ट्रेटेजिक गोल, ठीक है, क्या गोल है, उसको किस तरीके से उसको बनाया गया, ठीक है, उसको उसमें उस गोल को सेट करने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज यूज की गई हैं। सो हियर विल टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजिक गोल सेटिंग, ठीक है। सेकेंड, रिसोर्स एक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन, जो रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं उसको आप किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, किस तरह से यूज कर रहे हैं आप। थर्ड देखेंगे परफॉर्मेंस एनवायरमेंट, परफॉर्मेंस जो अचीव करने का क्या एनवायरमेंट है, कैसा टीम मेंबर के अंदर की क्या एनर्जी है, क्या सिनर्जी है उनके बीच, तो वो सारी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है, परफॉर्मेंस एनवायरमेंट के अंदर। विल सी नेक्स्ट, लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है, लीडरशिप कैसा, जो आपका लीडर है, जो आपका मैनेजर है, उसकी लीडरशिप कैसी है, क्या डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, किस तरह से वो, अगर जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो सिंगल हैंडेड है, या फिर वो डिस्पर्स्ड है, या फिर वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है, इम्प्लॉय एंड इम्प्लॉयर दोनों मिलकर डिसीजन मेकिंग का काम कर रहे हैं, टीम एंड मैनेजर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो आपको वो भी देखने को मिलता है विद इन द मैनेजरियल पॉलिटिक्स एंड प्रैक्टिसेस के अंदर, आपको ये भी देखने को मिलेगा। ये भी डिपेंड करता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में आपको देखने को मिल सकता है कि लीडरशिप में भी एंड डिसीजन मेकिंग में भी कोई क्या होता है कि लीडरशिप में जो मैनेजर होता है आप सिर्फ सोचता है कि मेरी कमांड ही मानी जाए, वो ज्यादा घुलमुल की नहीं रहता है, या फिर वो पॉलिटिक्स करता है विद इन दी ग्रुप, और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि आपका जो मैनेजर होता है बहुत अच्छा होता है, मिलजुल के काम करते हैं, सपोर्टिव होते हैं, हेल्पिंग होते हैं, तो आपको मैनेजरियल पॉलिटिक्स एंड प्रैक्टिसेस के अंदर सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एंड अडेप्टेशन एंड इनोवेशन, क्या अडेप्टेशन है, किस तरह से इम्प्लॉई जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है काम कर रहे हैं, तो कितने वो अडेप्टेबल है, कितने वो अनुकूल होते हैं उस एनवायरमेंट के, ये कितने जल्दी वो उस एनवायरमेंट में ढल जाते हैं, उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करना सीख जाते हैं स्मूथली, क्या उनका इनोवेशन लेवल है, ठीक है। सो दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ मैनेजरियल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। सो ये हमारा आज का सेशन रहा, आज के सेशन में हमने ये सारी टॉपिक्स कवर किए, मैनेजरियल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस की बात की, एम्प्लॉयज कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की हमने, ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, एनवायरनमेंट की बात की, ठीक है। सो आज हमारा ये हमने कवर किए हैं ये सारे टॉपिक्स। अगर आपको लगता है कि मैंने सेशन जो भी आपको पढ़ाया कंटेंट्स अच्छे थे, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो आप
अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं मेरे वीडियोस को, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाए अगर वो कोड 55 के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो भी अवेल कर पाए फ्री क्लासेस को एंड अपनी तैयारी अच्छे से कर पाए। आप उनके बीच भी शेयर कर सकते हैं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो भी नए वीडियोज अपलोड होते हैं यूट्यूब पे, आपको उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकॉन दबाएंगे तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, राइट। सो तब तक के लिए आप बने रहिए जब तक कि मैं नेक्स्ट सेशन ना लेके आऊं, एंड नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे लिकर्ट्स मॉडल ऑफ इफेक्टिवनेस की, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।